नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डालते एक नजर ललितपुर जिले की कुछ प्रमुख और खास खबरों पर ललितपुर लाइव टीवी के इस फटाफट बुलेटिन में। तब तक आप बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। आइए शुरुआत करते हैं ललितपुर जिले की सबसे बड़ी खबर से। ललितपुर से इस वक्त जो एक बड़ी खबर सामने आई है, उसमें बताया जा रहा है कि गाय के बछड़े को बचाने के चक्कर में रोडवेज बस पलटने से एक की मौत, आधा दर्जन बस में बैठी सवारियां हुई घायल। ये मामला ललितपुर जिले के थाना मंडावरा क्षेत्र अंतर्गत गल्ला मंडी के आगे दाल मिल के पास का है, जहां मंडावरा से मेहरूनी की ओर जा रही एक रोडवेज बस अचानक रोड पर गाय के बछड़ा आ जाने से उसे बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पलट गई। इस घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई तो वही आधा दर्जन यात्री घायल हो गए। ललितपुर लाइव टीवी के लिए तहसील मंडावरा से प्रकाश राय की रिपोर्ट। मंडावरा से बस चली तो आगे बच्चिया बचाने के चक्कर में ये रोडवेज बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इसमें कितने लोग घायल हैं? घायल तो चार पांच लोग हैं, एक व्यक्ति की मृत्यु। यह मामला ललितपुर जिले के थाना बानपुर क्षेत्र अंतर्गत भारोनी दलवारा का है, जहां पूर्व प्रधान के पुत्र द्वारा वर्तमान प्रधान को घर पहुंचकर अवैध तमंचे के बल पर धमकी देते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसकी शिकायत गांव के प्रधान ने थाना बानपुर पुलिस से की और अपने परिजनों की जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। जैसा कि आपको बताते चले कि ललितपुर जिले के थाना बानपुर क्षेत्र अंतर्गत भारोनी दलवारा का गाँव के प्रधान गणेश प्रसाद अपने घर पर थे, तभी गांव के पूर्व प्रधान का पुत्र कुलदीप उर्फ डग्गी राजा तमंचा लेकर उसके घर आ धमका और तमंचे को टेबल पर रखकर मेरे द्वारा गांव में किए जा रहे कार्यों के प्रति रोकने लगा और नहीं करने पर धमकियां देने लगा। आरोपी कुलदीप उर्फ डग्गी राजा पर कई संगीन मामले थाना बानपुर में दर्ज है। अभी कुछ ही समय पूर्व उसके ऊपर एक मर्डर का केस भी चल रहा है और वह आपराधिक प्रवृत्ति का है और वह जमानत पर यह चल रहा है। वर्तमान प्रधान गणेश प्रसाद ने थाना बानपुर पहुंचकर आरोपी के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उसने अपने परिवार की जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई। अब हम आपको दिखा रहे हैं वायरल वीडियो और पीड़ित वर्तमान प्रधान गणेश प्रसाद का इस मामले को लेकर क्या है कहना, देखिए ललितपुर लाइव टीवी की इस रिपोर्ट में। ललितपुर लाइव टीवी के लिए बानपुर से राशु जैन के साथ आमिर खान मंसूरी एवं धनेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। कोई आता है तो उसको क्या रोक दूं? बता दूं, रोक दें दूं, हम बता रहे हैं उसको रोक, हम रोक दें। तुम्हें क्या परेशान? हमें परेशान रहते हैं, हम लम्बादारी गाँव के लम्बादार हम हैं, ठीक है, तो हम लम्बादारी नहीं देखते, ठीक है। अब इसके बाद जैसे आप जो लग रहा हो हम नहीं रोक सकते, ठीक है, आप अपना काम जारी रखो, अपना काम जारी रखो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, आप अपना काम करो, नहीं काम एकदम मत करो काम, अगर आपको दिक्कत है। दोबारा का वर्तमान प्रधान हूँ मैं, पंचायत के विकास कार्य चला रहा हूँ दलवारा पंचायत में, पंचायत भवन का अभी वर्तमान में काम चल रहा है। वहाँ जो है एक वहाँ के पूर्व प्रधान का लड़का जो है क्रिमिनल टाइप का है, मर्डर भी हो गया, कई मुकदमे हो गए सर, और वो आके मेरे घर पर धमकी दी और ये कहा कि काम नहीं लगाओगे, काम लगाओगे तो तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं जो कहूँगा, मैं इस गांव का लम्बादार हूँ, मैं जो कहूँगा। ये मामला ललितपुर जिले के थाना बानपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुआं गांव का है, जहां एक विधवा महिला 3 वर्ष से अपने मायके में बच्चों का भरण पोषण कर रही है। पति के गुजर जाने के बाद ससुराल जनों द्वारा उसे प्रताड़ित किया जाता है। ये मामला 17 नवंबर का है, जहां महिला रानी देवी पिता बलराम सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर बताया है कि विगत 17 नवंबर को पहाड़ सिंह निवासी ग्राम भौंती आए और गाली गलौज करने लगे और महिला को जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। जब महिला ने 112 नंबर को कॉल किया, तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस आई। महिला ने पुलिस को अपनी दास्तान सुनाई और महिला ने थाना बानपुर में एक शिकायती पत्र दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ललितपुर लाइव टीवी की बानपुर से धनेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। कितने में पढ़ते हैं हमसे? क्या घटना हुई थी उस दिन? उस दिन मेरे दादाजी आए और मुझे और मेरी बहन को पीटने लगे और मेरे साथ जबरदस्ती की कि चल मेरे साथ वरना मैं तुझे मार दूंगा। तो फिर इस संबंध में आपने शिकायत की थी कहीं? हाँ, एक सवार लगाई थी तो उस समय पुलिस आई तो उस समय वो मेरे नाना और मेरे मामा और मेरी मम्मी को गाली गलौज कर और भाग गए थे। अपने मामा के यहाँ कब से रह रहे हैं आप? मैं अपने मामा के यहाँ 3 साल से रह रहा हूँ। तो फिर क्या चाहते हैं आप? मैं
चाहता हूँ कि मेरा हक मुझे मिले। मुझे यहाँ पर पढ़ने के लिए परेशानी हो रही है और खाने के लिए भी मेरी माँ मुझे मजदूरी कर कर पालती है। रानी देवी कहाँ की निवासी हैं आप? बहुत ही। तो क्या घटना हुई आपके साथ? जब से मेरे पति 3 साल पहले मेरे पति शांत हो गए तभी से उन्होंने मार पीट कर मुझे भगा दिया। मैं यहाँ कुआ गांव में अपने माता पिता के यहाँ रह रही हूँ और वो लोग मुझे यहाँ मारने आते हैं, धमकी देने के लिए आते हैं और मेरा कोर्ट में मुकदमा चल रहा है और 2 मेरे बच्चे हैं। आपके साथ क्या घटना हुई थी? मेरे साथ यह घटना हुई कि 17 तारीख को गांव में एक निमंत्रण था, वो लोग आए टैक्सी से आए थे पर यहाँ अकेले उतर के और मेरे साथ गाली गलौज की, जान से मारने की धमकी दी कि केस वापस ले नहीं तो जान से मार देंगे तेरे माता पिता को भाई को। कौन हैं वह लोग जो आपको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं? मेरे ससुर पहाड़ सिंह आए थे और मुझे मेरे माँ के बालों को सबको जान से मारने की धमकी दी, मेरे साथ गाली गलौज की। तो इस संबंध में आपने शिकायत की? हाँ, हमने 112 को कॉल किया तब वो भाग गए और मैंने लिख के बानपुर थाने में एप्लीकेशन दी और थाने गए थे तो बिल थी तब तक वो भाग गए। बानपुर थाने गई तो क्या कार्रवाई हुई? बानपुर थाने में उन वो लोग कहते चलो हम आते हैं और उनको लिख के देके और फिर सूचना 2 बार दी बानपुर थाने को, 112 को तुरंत कॉल किया था। कितने वर्ष से रह रही हैं आप कुआ गांव में? 3 साल से। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे, 1 बच्चा 1 बच्ची। क्या नाम है आपका? तो क्या इनका झगड़ा आपके सामने हुआ? सामने नहीं हुआ, हम तो अपने भीतर थे और हम तो अपने भीतर हो सुन रहे थे कि जी गारी दे रहे इनकी लाज। क्या घटना हुई फिर? भी तो माँ भी की धमकी दे गए जान से, ये अपनों किस बाप से नहीं जाए जान से मारा है। ललितपुर जिले में अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आबकारी विभाग और पुलिस टीम विभाग की संयुक्त टीम ने आज थाना बाला बेहट एवं थाना बार पुलिस के सहयोग से कबूतरा डेरा टकटकी बार एवं ग्राम तुरका में दबिश दी गई। दबिश के दौरान कबूतरा डेरा टकटकी में लगभग 1000 किलोग्राम लहन मौके पर ही नष्ट किया गया एवं कबूतरा डेरा बार में लगभग 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद हुई जबकि एक अभियुक्ता को मौके पर गिरफ्तार किया गया। अभियुक्ता के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं में एक अभियोग पंजीकृत किया गया। आबकारी विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम की छापेमारी से अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रैकवार की रिपोर्ट। ललितपुर में बानपुर राजमार्ग स्थित ग्राम गुगरवारा चौराहे पर बजाज पावर प्लांट की ओर जा रहे ट्रक MP19HA 9955 ने एक बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे ग्रामीणों ने 108 एम्बुलेंस की मदद से तत्काल जिला अस्पताल भिजवाया। तो वहीं घायल बाइक सवार का नाम आमिन उर्फ तम्मा जो कि ललितपुर शहर कोतवाली क्षेत्र के कसाई मंडी का निवासी बताया जा रहा है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए धनेन्द्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। ललितपुर के रघुवीर सिंह राजकीय महाविद्यालय में प्रचार प्रोफेसर केशव देव की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा सप्ताह समारोह के अंतर्गत पोस्टर प्रतियोगिता, कविता लेखन प्रतियोगिता तथा डिजिटल कोलाज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रचार प्रोफेसर केशव देव ने छात्र छात्राओं से यातायात के नियमों का कड़ाई से पालन करने का आह्वान किया और कहा कि छात्र छात्रा स्वयं एवं अपने परिवार के लोगों को यातायात के नियमों से अवगत कराएं एवं उनका पालन करने का संकल्प लें तो अवश्य सड़क दुर्घटनाओं में हो रही वृद्धि को रोका जा सकता है। पोस्टर प्रतियोगिता में अदिति नायक ने प्रथम, मनीषा निरंजन ने द्वितीय तथा वैष्णवी राठौर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। कविता लेखन प्रतियोगिता में मूरत सिंह ने प्रथम, मनीषा निरंजन ने द्वितीय तथा अदिति नायक ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।
डिजिटल कोलाज प्रतियोगिता में प्रिंस राठौर ने प्रथम, अदिति नायक नायक ने द्वितीय तथा मनीषा निरंजन ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस कार्यक्रम में प्रधान अध्यापक डॉक्टर मनीष कुमार वर्मा, डॉक्टर रविंद्र कुमार करोनिया, डॉक्टर देवेंद्र कुमार साहू, अर्चना सुरोठिया, अनुराधा सिंह, डॉक्टर इच्छा ओमर, डॉक्टर विजेंद्र सिंह, डॉक्टर सुनील कुमार यादव, प्रोफेसर बारिश द्विवेदी एवं छात्र छात्राओं में अंकित झा, विकास पुरोहित, राधा निरंजन, विशाखा साहू, शिवानी साहू, अहिल्या पूर्वी श्रीवास्तव, मुसर्रत परवीन आदि उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का संचालन संयोजक डॉक्टर रितेश कुमार खरे द्वारा किया गया। ललितपुर में देवगढ़ रेलवे क्रॉसिंग के पास ओवर ब्रिज निर्माण को लेकर नेहरू नगर वार्ड के निवासी लोगों को निकलने में हो रही समस्या को लेकर ललितपुर सदर SDM डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय को नेहरू नगर वार्ड नंबर 3 के पार्षद रामबाबू यादव ने विज्ञापन सौंपते हुए वहां के बाशिंदों को हो रही समस्याओं के प्रति अवगत कराया। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रैकवार की रिपोर्ट। ललितपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिनांक 29 नवंबर 2021 को जिला कारागार में जेल लोक अदालत का आयोजन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मेहराज अहमद के आदेशानुसार जेल में लोक अदालत लगाई जा रही है, जिससे कि छोटे छोटे आपराधिक मुकदमे जुर्म स्वीकृति के आधार पर समाप्त किए जा सके। जेल में बंदे बंदियों द्वारा स्वयं अथवा अपने मित्र या रिश्तेदारों के माध्यम से सिविल जज सीनियर डिवीजन ललितपुर के न्यायालय में जुर्म स्वीकृति के आवेदन दिए जा सकते हैं। जेल लोक अदालत कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव हरीश कुमार के नेतृत्व में आयोजित की जा रही है। तो ये थी आज की दिन भर की ललितपुर जिले की प्रमुख एवं खास खबरें एवं आगे की खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल ललितपुर लाइव टीवी के साथ। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आपको ललितपुर जिले की हर छोटी बड़ी खबर समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।